दोस्तों कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आप सभी का अगेन यार स्वागत है हमारे चैनल सुमित स्टॉक मैजिक में। दोस्तों आज की वीडियो और आप सभी लोगों की फिर से मैं डिमांडिंग वीडियो लेकर आ चुका हूँ। दोस्तों लास्ट वीडियो ने लगभग आपको भैया 5% का रिटर्न दिला दिया, और कल दोस्तों जब बाजार गिरा था बट मेरा एक वीडियो आपको फिर से 3% दिया गया। तो जो मैंने परसों रात बनाया था सारे रिजल्ट प्रूफ चैनल के अंदर है, जाकर देख सकते हो। कोई ऐसा चैनल नहीं है भैया जो आपको चैलेंज देता है कि आप सबको प्रॉफिटेबल ट्रेड बना देगा। तो दोस्तों आज का भी स्टॉक काफ़ी धमाकेदार होने वाला है, मल्टी ब्रेकआउट इस स्टॉक में मुझे नज़र आ रहा है। तो दोस्तों ब्रेकआउट से पहले मैं आपके साथ स्टॉक शेयर करने वाला हूँ, बेस्ट मल्टी ब्रेक स्टॉक की वीडियो होने वाली है। तो दोस्तों लाइक एम टारगेट दोबारा से थोड़ा ज़्यादा रखते हैं 2000 लाइक्स का। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अपना प्यार दिखाएंगे। और हाँ दोस्तों एक चीज़ और बोलना चाहूँगा वीडियो स्टार्ट करने से पहले, आप में से काफ़ी सारे लोग दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, भूल जाते हो। तो दोस्तों ऐसा ना करें, कि कुछ मार्केट के दौरान कुछ भी होती है अपडेट वीडियो वो आपके पास सबसे पहले पहुंचेंगे अगर आप सब्सक्राइब करके घंटा दबा दोगे, घंटा बटन जो भी है नीचे सब्सक्राइब का। तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। लाइक एम टारगेट 2000 का है, क्योंकि दोस्तों काफ़ी मेहनत लगती है, कम से कम 1 या 2 घंटे की रिसर्च की, जो मैं ऐसे फिल्टर करके स्टॉक आपके साथ एनालिसिस शेयर करता हूँ। तो चलिए दोस्तों जो आज का स्टॉक है लगभग दोस्तों ये ट्रेड कर रहा है 340 रुपये के आसपास। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसमें क्या टारगेट्स मुझे नज़र आ रहे हैं। तो दोस्तों फिलहाल अभी ये मतलब देखो अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर 3 बार फंस चुका है, ऊपर नहीं जा पाता, ऊपर से गिर जाता है। अब दोस्तों इसका एक जो अगला टारगेट है मतलब अगला एक रेसिस्टेंस है इंपॉर्टेंट जो इसको रोकेगा, वो रोकेगा दोस्तों 370 का या 380 का लेवल। तो दोस्तों रेसिस्टेंस का क्या मतलब, वो स्टॉक आराम से यहाँ तक तो पुश करेगा, यहाँ तक तो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों अब सबसे पहले आप लोग लिख लो इसमें टारगेट। तो दोस्तों सबसे पहला टारगेट है 356 का, दूसरा टारगेट है दोस्तों इसमें 366 का, और इसमें अगला टारगेट है दोस्तों 374 का। तो दोस्तों ये 3 शॉर्ट टर्म के टारगेट्स मैंने आपकी स्क्रीन पर शेयर कर दिया, आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मोटा मोटा कुछ भी नहीं, तो यार 10 से 12% का मेरा इसमें टारगेट है फॉर शॉर्ट टर्म। 450 तक भी दोस्तों स्टॉक जाना चाहिए, बट दोस्तों उससे पहले आप लोग यहाँ तक ही बुक कर लेना, और यहाँ जब दोस्तों पहुँच जाए तो अपने स्टॉप लॉस को यहाँ ले आना, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं SL ट्रेल मेथड दोस्तों। और दोस्तों अब मैं एक चीज़ और सोच रहा हूँ कि भाई आप लोगों के लिए थोड़ा इन्वेस्टर्स भाई लोगों के लिए कुछ मतलब हटकर वीडियो बनाऊँ स्ट्रेटजी के ऊपर। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो लाइव कैम के साथ वीडियो बनानी है तो प्लीज़ यार कमेंट में आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा यस यस लिख देना। अगर आप लोगों के 50+ यस आ गए तो मैं बेस्ट स्ट्रेटजी वीडियो बना दूंगा, मल्टी बैग स्टॉक कैसे फाइंड करते हैं, प्लस आप लोग भी कैसे स्ट्रेटजी में मतलब इंडिकेटर का यूज़ करके सिंपल पैसा बना सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों ये बात हो गई टारगेट्स की, अब बात करते हैं चार्ट की। वनडे के चार्ट पर दोस्तों देखोगे तो स्टॉक मैंने क्या कहा 380 तक आराम से जाएगा, बट दोस्तों अभी मैंने लेवल जूम कराया तो सॉरी वो 385 था। तो फोर्थ टारगेट आप इसमें 385 का भी नोट करके चले, ठीक है। अब दोस्तों कौन सा स्टॉक है वो जानेंगे, बट उससे पहले अब आप कंपनी के बैलेंस शीट पर आओ, काफ़ी अच्छी है, 70% बड़े लोग ले रहे हैं, पब्लिक के पास बहुत ही कम माल है, 30% का माल है, तो ये भी दोस्तों प्लस पॉइंट की बात है। स्टॉक का दोस्तों नाम जानेंगे, बट उससे पहले दोस्तों कंपनी का काम देख लेते हैं। तो दोस्तों ध्यान से देखो एक स्मॉल कैप कंपनी धीरे धीरे उभर कर मल्टी बैगर बनती जा रही है। तो दोस्तों फॉर लॉन्ग टर्म 4-5 साल के लिए ये स्टॉक मुझे काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है, अपने हिसाब से रिसर्च करिएगा, हो सकता है लॉन्ग टर्म में भी काफ़ी अच्छा बेनिफिट ये स्टॉक आपको दे दे। दोस्तों स्टॉक का नाम देख सकते हो, बट उससे पहले आप लोग स्टॉक का पी देखो, ये भी फेवरेबल चल रहा है हम लोगों के लिए। और दोस्तों रियल इस्टेट की एक कंपनी है, अपने आप में अगर आप लोग इसकी रिसर्च करोगे तो कुछ इसमें एडवांटेज ही पाओगे। बाकी दोस्तों ये कोई टिप और रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है, आप लोग एक बार जाना और अपनी एनालिसिस ज़रूर करना। अब दोस्तों स्टॉक का नाम जान लेते हैं, स्टॉक का नाम है दोस्तों अजमेरा रियल्टी, ठीक है, अजमेरा स्टॉक का नाम है। अब आप बात स्टॉक की हो गई हमारी, अब बात करते हैं दोस्तों लेवल की। तो दोस्तों इतने बीच में मिलता है, थोड़ा बहुत अप डाउन आता है तो बिल्कुल खरीद सकते हैं, ऊपर तक भी खरीद सकते हैं, 350 तक भी खरीद सकते हैं। फिलहाल दोस्तों स्टॉक ने बुलिश ट्रेंड पकड़ रखा है, धीरे धीरे करके वॉल्यूम भी ज़बरदस्त आ रहा है। तो होप आपको समझ आया होगा, वीडियो देखकर आप भी समझोगे मल्टीबैगर स्टॉक कैसे फाइंड करते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बेस्ट स्टॉक टू बाय नाउ की वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है दोस्तों वीडियो को लाइक करेगा, चैनल पे पहली बार आए हो सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू, जय हिंद।